आज के दिन की फर्स्ट अपडेट तैमूर बे के बारे में है। तो तैमूर बे का उमर अंजुम वाला डिस्ट्रैक होशियारी पकड़ आउट हो चुका है। तो इस गाने में तैमूर बेग ने उमर अंजुम पे एक एलिगेशन लगाया है, मेरे इलाके के शो में आई थी पुलिस तो तू पुलिस देखकर तो भागा था, क्या तू आसिफ बाली, अ फैक्ट इज अ फैक्ट, एक डुओ के लिए तूने सैविज का चाटा था। मेरे इलाके के शो में आई थी पुलिस, तू पुलिस देखकर तो भागा था, क्या तू आसिफ बाली, अ फैक्ट इज अ फैक्ट, एक डुओ के लिए तूने सैविज का चाटा था। उमर अंजुम के कौन है तू ट्रैक पे बोल जाने का कहना है गैंग पहले, तो इस पे उमर अंजुम का कहना था माई होल गैंग इज विनिंग नो विजन ऑफ क्यूटिंग। तो अब बात कर लेते हैं इवा बी के बारे में। तो इवा बी का जियो न्यूज की तरफ से एक आर्टिकल देखने को मिला है जिसमें इवा बी का इंटरव्यू भी इंक्लूड है। तो इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लेकिन आपको पता होगा कि काफी टाइम पहले निदा किरमानी ने रैप म्यूजिक से रिलेटेड स्टेटमेंट दी थी जिसके बाद काफी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। निदा किरमानी का कहना था फारी शफी का रैप इंटरटेनिंग हो सकता है लेकिन रैप म्यूजिक पसमानदा लोगों का फॉर्म है जिसे अंदरूने शहर के लोगों ने अपनाया और तब्दील किया है, इसीलिए लियारी से आने वाली रैपर इवा बी एक वाइडर ट्रेडिशन का पार्ट है, रिच पीपल्स को रैप छोड़ देना चाहिए। तो इस चीज पे अपना ओपिनियन शेयर करते हुए इंटरव्यू में इवा बी ने फारी शफी के बारे में बात की है। ऐसा नहीं कि अभी कोई अमीर उसके अंदर टैलेंट नहीं है, तो अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो दिखाना चाहता है और हम उसको वो करें कि मतलब नहीं तुम अमीर के बच्चे तुम नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि सिर्फ गरीब ही कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, रैप जो है उसमें सबको आजादी है बोलने की, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे जो भी हो, रैप एक आजाद म्यूजिक है, कोई भी इसको बोल सकता है, कोई भी इस पे लिख सकता है। अभी सब ऐसे तो नहीं होंगे ना कि सब गरीब तो नहीं होंगे जो बोलेंगे मैं गरीब हूँ, मैं कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अभी कुछ पैसे वाले हैं जो खुद को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने तो कभी मतलब फारिस ने ऐसे भी गाने किए हैं जो कि मतलब सोसाइटी के ऊपर है, जो कि रियलिटी के ऊपर है। अभी कोई बोलता है ना कि अमीर को नहीं करना चाहिए गरीब को करना चाहिए, उसको रात की हिस्ट्री नहीं पता। तो अब बात कर लेते हैं सनी खान दुरानी के बारे में। तो सनी खान दुरानी का स्टोरी में अब्दुल्ला खटक के बारे में कहना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रेस्ट इन पीस अब्दुल्ला खटक, व्हाट अ सोल ही वाज, इट्स जस्ट रियली हार्ड टू बिलीव, यू विल बी मिस्ड ब्रदर, सी यू ऑन दी अदर साइड। ये होता है जब आप अपने बंदे को अपनी टीम में ना लो। अच्छा लाहौर में हमें। अगली न्यूज हाशिम नवाज के बारे में है। तो फरासत अनीस ने हाशिम नवाज के एक अनरिलीज्ड ट्रैक का स्निपिट शेयर किया है जिसपे हाशिम नवाज का कहना है वी शैल नॉट बी स्टॉपिंग। तो स्निपिट आप लोग भी सुन लो। वायस के डायरेक्टर अब्दुल वली बलोच को Q&A में पूछा गया है वायस का कौन सा गाना शूट करना डिफिकल्ट था। तो अब्दुल वली बलोच का रिप्लाई करते हुए कहना है टफ टू चूज बिटवीन आजमाले एंड अफसाने, बोथ वर ट्रिकी टू एग्जीक्यूट। अदनान 07 ने स्टोरी में रैप डीमन और तलांजुम का एजेंसी ट्रैक प्ले किया है। आजकल पाकिस्तान में लोड शेडिंग काफी ज्यादा हो रही है। तो OCL का ट्वीट करते हुए कहना है हे डैश शबाज शरीफ, व्हाट इज दिस 30 मिनट्स लोड शेडिंग एट नाइट, या पूरी करवाओ या नॉट एट ऑल बीसी। एसन का नो कम्पिटिशन ट्रैक मंबल होने वाला है, एसन ने कुछ ऐसा स्निपिट शेयर किया है। एसन के साथ कुलैब के बारे में हाशिम इसहाक का कहना है वेरी वेरी सून विद एसन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी। देन हाशिम इसहाक का कहना है कि आजकल वो राइटर ब्लॉक फेस कर रहे हैं, एल रैपर्स कौन है। तो इस पे हाशिम इसहाक का कहना था हा हा हैं कुछ सॉफ्ट बर्गर्स जो स्पॉटिफाई पाकिस्तान के घर जमाई बने हुए हैं। तो फिलहाल यार इतनी अपडेट्स हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।